अब ये हम करेला लगावा के लगा रही है मतलब। तो अब वो मतलब पहला तो ये खेत है अच्छो हाँकनो पड़े, हाँक के नहीं फिर ये ट्रैक्टर से या बैल से काय से भी नाली बनाओ, या इतनी चौड़ी नाली 1-1.5 फीट के करीब चौड़ी, फिर 3-3 फीट या 4 फीट के करीब छेटी से वहाँ में देसी खाद गोबर को अच्छे सड़े हुए, वहाँ के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा DAP, थोड़ा थोड़ा सुपर फास्फेट, पोटास भी अगर हो तो अच्छी बात है। वहाँ के बाद में यह गेती या काई से भी अच्छी तरीका से मिलाओ, मिलावा के बाद में अब ये करेला का बीज है ये यहाँ में जगह जगह रख दो, खाली ये दिखना नहीं चाहिए और गार बारीक होना चाहिए। राम राम राम। राम राम। कहीं लगा रही है भैया? करेला लगा रही है करेला यार। का बीज लगा रही है यार। यार पिछली बार भैया मैंने भी करेला लगाया हाँ पर मैंने कुछ पास पास लगा दिया हाँ तो भाई फसल या ना करेला हो नहीं पाया यार। अब तब मैं तरीको तो बताओ कैसे लगाया यार, हमारा करेला तो बिगड़ गया सारे। तो आप लाभे तो नहीं लगाया? नहीं अबे तो नहीं लगाया तो आप लगा तो देख ले, अब ऐसे लगा तो वही मतलब तो मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे, अगर तुम मैं बताओ यार वही हिसाब से मैं लगा यार। मैं भी पूरा तरीको बताओ लगावा को, पर के तुम्हारा करेला बिगड़ गया संगन होगा के कारण। पर अब इनकी कितनी छेटी रहना चाहिए दो ही करेला के बीचे, या अब और या ये मैं कहीं कहीं खाद पटको तुम कहीं कहीं करो यार, वो विधि में बता दो। इतनी छेटी रख दो हाँ मतलब करीबन 4 फीट या साढ़े हाँ तीन साढ़े चार तीन फीट चार फीट की छेटी इतनी होनी चाहिए छेटी इनमें होनी से। चाहिए। हाँ अपन वो डंडा बंडा गाड़ा तो और थोड़ा छीदा भी होनी चाहिए, अगर अपन ने ज्यादा संगन भी लगा दिया हाँ तो फिर वो फल भी कम लगे। फल कम लगे। और ये नाली की जो हाँ ये छेटी भी जो जो या बरा के जो बीचे या वो पांच कुत्तों के हाँ बीचे छेटी रहना या चाहिए पांच भैया, छह फीट होनी चाहिए जब। 1 बीघा जो जगह है अपनी करेला की वहां में कितना बीज लगे 1 बीघा जगह में करेला का? या मैं लग जा अपन अगर अच्छो सावत बीज हो तो 700 ग्राम, 700 750 ग्राम, और अगर थोड़ा बीज में अपने हाँ लगे मिर्ची के को कहीं की तो हाँ वहां में एक किलो तो तक भी हो एक सके, एक किलो 200 तक भी ग्राम भी हो। हो सके। हाँ 1 किलो और तक मान लो अपन 1 बीघा का करेला लगाया हाँ, तो यहाँ में उत्पादन कितना तो होगा? या में उत्पादन हो जाओ अपनों करीब करीब मतलब है जे 30 कुंटल 40 कुंटल के करीब। यानी भाव अगर अच्छो मिलो तो भाव अच्छा यदि मिलो तो अपने हो जाओ कम से कम नहीं तो 80-90 हज़ार के करीब और एक मतलब बीघा में। भाव कुछ कम मिलो मार्केट तो में मतलब कम है है जो 40-50 हज़ार रुपया तो मिल 1 बीघा ही में जाओ। करेला के भी आने हाँ मिल ही जाओ। मिली जाओ। हाँ एक एक पौधा के लिए अपने 1 किलो 1.5 किलो करीब तो देसी खाद और 10 ग्राम करीब DAP और 15 ग्राम के करीब अपने ये सुपर फास्फेट ले लो, और ये अपन ने रखो 4-4 फीट की छेटी से, और यह है जो फिर अच्छी तरीका से जमीन में मिला दो ये। बना के ये डाल दूं नाली क्या? बना ली वहाँ के बाद में फिर ये बड़ा बड़ा ढीमड़ा इन्हें बगल कर दो, और ये जो ये अपन ने इतनी छेटी से ये खाद माद रख दी हो यहाँ अच्छी तरीका से मिला लो, और ये बड़ा ढीमड़ा इटे इन्हें बगल फेंक दो।